जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्तिला एकादशी की। आज 18 जनवरी है और 2023 को शर्तिला एकादशी को मनाया जा रहा है। तो ये आज इसका व्रत स्टार्ट होगा और यानी कि 18 तारीख को 19 तारीख को होगा इसका पारण। पारण का इसका समय 7:15 से 9:29 तक रहेगा। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तिल से स्नान कर सकते हैं, इसका उबटन लगा सकते हैं, तिल से हवन कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, भोजन में तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल का दान भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान की कथा सुननी चाहिए। पूजा करने के लिए पहले चौकी स्थापित करें, उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और भगवान की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित करें। फिर उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और पीले कलर के वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि चढ़ाएं और स्वीट्स यानी कि कोई भी स्वीट्स आप चढ़ा सकते हैं और तिल से बने हुए स्वीट्स ज़रूर आप उनको भोग में अर्पित करें। और इसके बाद आप कथा सुने तो शर्तिला एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से शर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने एक महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वो पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। वहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायणा हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि ये अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस शर्तिला एकादशी को तिल का बहुत ही महत्व है और तिल दान सबको करना चाहिए, तो आप भी जरूर करिएगा। ये थी बहुत ही प्यारी सी पौराणिक कथा शर्तिला एकादशी की और आपको और पारण की इसकी जानकारी दे दी गई है। जय श्री राधे राधे। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।